ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये मेरे एक स्टूडेंट का रिपोर्ट राइटिंग के आंसर है और इसका नाम है मनीष। इसने रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक लिया है प्लास्टिक बैन। सबसे पहले हम फॉर्मेट पे देखते हैं तो फॉर्मेट इसका एकदम सही है। आप देखोगे इसने टॉपिक लिया है, हेडलाइन इसने लिखा है साइडिंग विद द नेचर प्लास्टिक बैन एस कैपिटल, ओके नेचर कैपिटल पी कैपिटल। मैंने बोला था कि जब भी आप हेडलाइन देते हो तो फर्स्ट लेटर आपका कैप्स में होना चाहिए, तो आपका कैप्स में ही है फर्स्ट लेटर, तो अच्छा है। अच्छे से आपने डेट लिखा हुआ है, ओके प्लेस लिखा है, डेट लिखा है। इसके पहले वाले वीडियो में अमन ने शायद प्लेस भी नहीं लिखा था, अमन का जो रिपोर्ट राइटिंग वाला सैंपल था उसमें उसने प्लेस भी नहीं लिखा था, उसने प्लेस लिखा है, नाम लिखा है एबीसी। और इसने तीन पैराग्राफ लिखा है, ये फर्स्ट पैराग्राफ और ये इसका सेकंड पैरा है, ये वाला इसका सेकंड पैरा और फिर इसका ये थर्ड पैरा है, दे आर मिक्स्ड रिएक्शन, ओके ये इसका थर्ड पैरा। तो इसने वेल स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट लिखा है, बहुत अच्छे से मनीष ने फॉर्मेट फॉलो किया है। और जो मैंने वीडियो में बताया कि आप रिपोर्ट राइटिंग में सिर्फ तीन पैरा लिखो, तीन पैरा लिखने से ये होता है कि आपको पता होता है कि हाँ मुझे फर्स्ट पैरा में ये लिखना है, सेकंड पैरा में ये लिखना है, थर्ड पैरा में ये लिखना है, तो फिर आप टॉपिक से भी डेविएट नहीं होते हो और आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड रहता है। फाइन, तो चलिए हम पढ़ते हैं इसका। सबसे पहले मैं इसकी राइटिंग के बारे में बता दूं, इसकी राइटिंग पढ़ने में नहीं आ रही है और अच्छी राइटिंग नहीं है इसकी। और आप देख रहे हो प्लेन शीट में इसने लिखा है, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट जो एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है वो भी प्लेन शीट में ही मिलता है। तो मैं मनीष से कहूंगी अपनी राइटिंग में थोड़ी सुधार लेकर आने के लिए, और वो सुधार इस तरह से लेकर आने के लिए कि आप देखोगे कि हर किसी की राइटिंग में यूजुअली लेटर्स में तीन जोन होते हैं। ये गवर्नमेंट देख रहे हो तो ये जो पूरा का पूरा है ये मिडिल जोन है, और ये जो जी का टेल है इसको कहते हैं लोअर जोन, और ये जो टी है ना इसको कहते हैं अपर जोन। तो इसकी राइटिंग में ना लोअर जोन अच्छे से विजिबल है, अपर जोन अच्छे से विजिबल है, सॉरी मिडिल जोन अच्छे से विजिबल है, मगर आप देखोगे अपर जोन अच्छे से विजिबल नहीं है। आप इम्पोस्ट में डी देख लो, डी का जो डंडी होना चाहिए वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए ना, देखो नहीं है, ठीक है। यहाँ हर जगह देखो प्लास्टिक में एल को भी थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, टी में प्लास्टिक में टी को भी ऊंचा होना चाहिए, फुटस्टेप में ये टी देखिए ऑलमोस्ट मिडिल जोन से ये मर्ज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग लेजिबल हो, रीडेबल हो, एग्जामिनर कम से कम समझे, तो आप अगर ये राइटिंग को पढ़ोगे आपको कितनी स्ट्रेन होगी। इसने मुझे ये वाला रिपोर्ट बहुत पहले दिया था, 5-6 दिन पहले दिया होगा, मैं इसको इवेलुएट ही नहीं कर रही थी कि मुझे ना बहुत स्ट्रेन लग रहा था इसकी राइटिंग को पढ़ने में। तो अब आप ये सोचो एग्जामिनर को भी कितना स्ट्रेन लगेगा। ठीक है मनीष मेरा स्टूडेंट है तो मैं करूंगी इसकी, एग्जामिनर तो एग्जामिनर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो नहीं इवैल्यूएट करेगा, ऐसे ही सुपरफिशियली इवैल्यूएट करके छोड़ देगा। तो मनीष आप अपनी राइटिंग में बस एक काम ये करना कि जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, जैसे सुबह उठ के मैंने सभी को एडवाइस दिया है सीएपीएफ के स्टूडेंट्स को, मुझे नहीं पता कौन करता है कौन नहीं करता है, मगर मैंने एडवाइस किया कि सुबह उठ के कम से कम 15 मिनट देख देख कर लिखो। तो जब आप देख देख कर लिखते हो मनीष, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये जो अपने लेटर्स हैं उसके अपर जोन को थोड़ा ऊंचा करो, ओके जैसे गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र है, एच है, आप देख रहे हो थोड़ा ऊंचा करो तो आपकी राइटिंग रीडेबल हो जाएगी। तो चलिए हम कंटेंट पे आते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ स्टेट वाइड बैन। अब मनीष ने मेरी पूरी क्लास अटेंड की, एक्चुअली मेरा फेस टू फेस क्लास का स्टूडेंट रहा हुआ है, इसने अच्छे से क्लास अटेंड की हुई है, बहुत सिंसियर स्टूडेंट भी रहा हुआ है। 25 जून तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को इम्पोज इसी वक्त किया है, शायद जून में किया है, मुझे पता नहीं मई या जून कभी भी किया है, मगर ये प्रेजेंट सिनेरियो, ये जो हो रहा है ये प्रेजेंट फिनोमेना है, ओके और प्रेजेंट सिनेरियो में हो रहा है। तो आप इसको पास्ट में क्यों लिखे हो, आपने तो क्लास अटेंड की हुई है ना, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट वाली क्लास, तो इसमें पास्ट में नहीं लिखना है, आप इसको यहाँ पर प्रेजेंट में लिखोगे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ स्टेट वाइड बैन ऑन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ऑन 23rd ऑफ दिस मंथ। अब बहुत अच्छा इसका ये कंटेंट देखो तो फर्स्ट लाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि रिपोर्ट में जो फर्स्ट पैरा होना चाहिए उसमें व्हाट, हू, हूम, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें फर्स्ट पैरा में ही आपको डालनी चाहिए। तो फर्स्ट लाइन बहुत अच्छा है, इसने बता दिया 23rd
ऑफ दिस मंथ, तो इसने डेट व्हेन बता दिया, व्हेन का आंसर कर दिया, हु का आंसर कर दिया, व्हाट का आंसर कर दिया, प्लास्टिक को बैन करना. ओके, अब सेकेंड लाइन इसका इनकम्प्लीट है. फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑन प्लास्टिक्स, अगर आप यहाँ, मुझे ये इनकम्प्लीट सेकेंड लाइन इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे मुझे फुल स्टॉप नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि सभी को नजर आ रहा होगा ये फुल स्टॉप. अगर ये फुल स्टॉप है तो आपका इस सेकेंड लाइन तो इनकम्प्लीट है क्योंकि सेकेंड लाइन में आपका कोई वर्ब नहीं है और बिना ट्रू वर्ब के, मैंने अपनी ग्रामर की क्लास में बताया हुआ है कि बिना ट्रू वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है. अगर ये सेकेंड लाइन है, ये अलग से एक लाइन है, तो आपको इसको एक और यहाँ पर आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा ये सेंटेंस. मगर सपोज ये वाला लाइन इसी लाइन से जुड़ रहा है तो फिर यहाँ फुल स्टॉप नहीं देना है और एफ फिर कैपिटल नहीं होगा, फिर एफ स्मॉल होना चाहिए. फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑन एंटी प्लास्टिक पॉलिसीज लिखना चाहिए था, ऑन प्लास्टिक नहीं लिखना चाहिए था, ऑन एंटी प्लास्टिक पॉलिसीज. फिर अब आपका फर्स्ट पैरा में कम से कम दो लाइन तो डालो, फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ एक लाइन से नहीं होगा, दो लाइन डालो. अब फिर सेकेंड लाइन आप ये डाल सकते हो कि जो भी प्लास्टिक यूज कर रहा है आफ्टर बैनिंग द प्लास्टिक, फिर उसके बाद कोई प्लास्टिक यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको फाइन देना पड़ेगा, 5,000-10,000 का फाइन है ना. तो ये वाला आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो जिससे आपका इंट्रो कम से कम दो लाइन का तो हो, है ना. तो आपका इंट्रो दो लाइन का हो जाएगा अगर आप ये 5,000-10,000 का बैन आप बताते हो तो. ओके, और इसकी राइटिंग अगर आप देखोगे, देखिए कैसे ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रही है इसकी राइटिंग, है ना, है ना. तो थोड़ा कोशिश करो मनीष की राइटिंग थोड़ा सा सीधा हो, मतलब एकदम ऊपर की तरफ जा रही है, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा प्लेन, आई मीन स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए. स्ट्रेट लाइन नहीं हो तो कम से कम इतना जबरदस्त ऊपर तो ना चढ़े ना. फिर है सेकेंड पैरा, द स्टेट वाइड बैन वॉज इम्पोज ओइंग टू, अब ओइंग टू लिखा है तो ओ कैपिटल लग रहा है, ये ओ कैपिटल क्यों है, यहाँ पर कोई फुल स्टॉप है क्या, नहीं है ना, तो ओ स्मॉल होना चाहिए. द स्टेट वाइड बैन वॉज इम्पोज, अब वॉज इम्पोज क्यों होगा, इज इम्पोज लगाओ. आपका ये प्लास्टिक बैन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है वो अभी भी है, तो आप ये सब्जेक्ट वर्ब की गलती मत करो. आपने क्लास अटेंड की है तो आपको बहुत अच्छे से पता कि ये प्रेजेंट फिनोमेना है, तो यहाँ इज होगा. ओके, द स्टेट वाइड बैन इज इम्पोज ओइंग टू, ओ स्मॉल होना चाहिए, टू डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरमेंट. द, अब ये क्या लिखा है, मूव लिखा है, अब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है भाई, अच्छे से लिखना चाहिए आपको. द मूव एट कटिंग डाउन ऑन पोल्यूशन कॉज बाय डिस्कार्डेड प्लास्टिक आइटम्स, ये इसमें कहाँ पे वर्ब है, कोई ट्रू वर्ब आपको नजर आ रहा है मनीष? आपको तो पता है ये ट्रू वर्ब क्या होता है, बिना ट्रू वर्ब के सेंटेंस नहीं फ्रेम हो सकता है. अब आप बताइए ये ट्रू वर्ब है कहीं पे, ये मूव वर्ब नहीं है, वर्ब के पहले आर्टिकल नहीं आता, सो दिस इज अ नाउन, वेयर इज द ट्रू वर्ब. ये सेंटेंस को आप हटा सकते हो, मुझे नहीं पता आपकी वर्ड, आपने कितने वर्ड्स में लिखा है, इसने कितने वर्ड्स में लिखा है, इसने एंड में नहीं लिखा है. और इनफैक्ट इसके पहले मैंने अमन का भी रिपोर्ट इवैल्यूएट किया था, उसने भी वर्ड एंड में नहीं लिखा है. आप लोगों को मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आप लिखो एंड में, ताकि एग्जामिनर को गेस वर्क ना करना पड़े कि कितने वर्ड्स में लिखा होगा. ओके, तो एग्जामिनर का एफर्ट आपको कम करना चाहिए, तो यहाँ पर मनीष को मेंशन करना चाहिए था कि उसने कितने वर्ड्स में लिखे हैं, और उसने मुझे भी नहीं बताया है कि कितने वर्ड्स में उसने लिखे हैं. तो ये वाला जो सेंटेंस है, द मूव एट कटिंग डाउन ऑन पोल्यूशन कॉज बाय डिस्कार्ड, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस, आप इसको हटा भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब लिखिए द स्टेट हैज बैंड, अब आप देखिए यहाँ पे आपने प्रेजेंट का वर्ब लिखा है, यहाँ पे पास्ट का वर्ब लिखा है. ओके, तो ये तो डिस्क्रिपेंसी है ना, आपको पता ही नहीं चल रहा कब प्रेजेंट का वर्ब लिखना चाहिए कब पास्ट का वर्ब लिखना चाहिए. यहाँ पे सारा प्रेजेंट का वर्ब होना चाहिए, यहाँ पर इज होना चाहिए. द स्टेट हैज बैंड ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है. अब ऐसे ही फुल स्टॉप देते हो मनीष, ऐसे ही लेजरली, तो ये फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए यहाँ पर. प्लास्टिक बैग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर थिक, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर थिकनेस, फुल स्टॉप. अब यहाँ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर थिकनेस. ओके, फिर फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक टी कप्स, ग्लासेस, थर्मोकोल ग्लासेस. थर्मोकोल देखो दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है, यहाँ ओ कौन सा ओ है, समझ ही नहीं आ रहा है ना.
जैसा लिखोगे वैसा ही मार्क्स मिलेगा और जितने गंदे तरीके से लिखोगे उतना ही गंदे तरीके से मार्क्स मिलेगा मनीष. तो इसीलिए आप थोड़ा ठीक से लिखो थर्मोकोल ग्लासेस एज वेल एज थर्मोकोल यूज फॉर डेकोरेशन पर्पसेस. तो यहाँ पर देखिए मनीष आपका कंटेंट अच्छा है, मैंने एक बार इसका सुपरफिशियली पढ़ा था तो कंटेंट तो सही है मगर आप इसको प्रेजेंट ढंग से नहीं कर रहे हो. आई मीन ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा है मगर राइटिंग इतनी गंदी है. ओके तो द सेट हैज बैंड ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक बैग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर थिकनेस फॉर एग्जाम्पल. फिर यहाँ लिखो फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक टीकर्स ग्लासेस थर्मोकोल ग्लासेस एज वेल एज थर्मोकोल यूज फॉर डेकोरेशन पर्पसेस फुल स्टॉप. सर्टन प्लास्टिक प्रोडक्ट दैट वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम, अब यहाँ पे वर क्यों लिखा है, यहाँ पे आर आना चाहिए. सर्टन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दैट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द बैंस आर, अब देखिए यहाँ वर यहाँ आर तो थोड़ा सा और दो बार आर रिपीट करने की जरूरत नहीं है. सर्टन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दैट वर एग्जम्प्टेड, नहीं सही है यहाँ पर आर लिखना जरूरी है. सर्टन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दैट वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द बैंस आर प्लास्टिक एंड थर्मोकोल यूजेस बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज and plastic bags for storing food grains, for packing food items like biscuit, chips, etc. तो यहाँ पे मेरे ख्याल से full stop होना चाहिए, जो लिखा नहीं, जहाँ full stop नहीं देना चाहिए मनीष वहाँ पे full stop देता है, जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दे रहे हो आप. Plastic items, S लगाओगे, used in hospital stationery made of plastic and milk pouches. देखिए आप sentence को connect ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो connect. Content इतना अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है मगर पंचुएशन मार्क के मिस्टेक है, ग्रामर के मिस्टेक है. यहाँ पर आप लिख रहे हो देयर आर सर्टन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दैट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द बैंस ऑन प्लास्टिक एंड थर्म आर प्लास्टिक एंड थर्मोकोल फॉर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. अब देखो यूज्ड ये डी लग रहा है कहीं से. प्लास्टिक बैग्स फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट चिप्स प्लास्टिक आइटम यूज इन हॉस्पिटल, तो ये पी कैपिटल नहीं होना चाहिए. आई मीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. यहाँ पर ईटीसी मत दो, कॉमा दिए हो ठीक है, कॉमा दिए हो फिर पी को स्मॉल रखो. अगर आप पी को स्मॉल नहीं रखोगे तो मुझे लगेगा ये नया सेंटेंस शुरू हुआ है. तो आपका कैपिटल लेटर की भी मिस्टेक हो रही है मनीष, पंचुएशन मार्क की भी मिस्टेक हो रही है, फुल स्टॉप कॉमा की मिस्टेक हो रही है. ये सब मत करो क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है आपने. प्लास्टिक आइटम्स यूज इन हॉस्पिटल, अब ये इसी सेंटेंस से कनेक्टेड है ओके. यूज इन हॉस्पिटल स्टेशनरी मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मिल्क पाउचेस. This decision of Maharashtra government has hit state's economy, but the government has tried its best to minimize its impact. Full stop. यहाँ full stop होना चाहिए क्योंकि next sentence P है जो people है जो capital में है, तो मुझे लग रहा है यहाँ full stop होना चाहिए जो आपने नहीं दिया है. अगर दिया भी है तो नजर नहीं आ रहा है और ये impact में आई भी अच्छे से नजर नहीं आ रहा. आपकी पूरी की पूरी writing, आपके राइटिंग में प्रॉब्लम है, आपके ग्रामर में प्रॉब्लम है, आपके पंचुएशन मार्क में प्रॉब्लम है, आपके कैपिटल लेटर में प्रॉब्लम है. पीपल मेनली मिडिल एंड लोअर मिडिल मिडिल, अब क्लास नहीं लिखोगे यहाँ पर और ये ई नजर नहीं, ये ई है मिडिल का, ये ई तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा ये ई है. पीपल मेनली मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टीज विद प्लास्टिक बैन ड्यू टू प्लास्टिक बैन, विद प्लास्टिक बैन नहीं ड्यू टू प्लास्टिक बैन, बिकॉज दे आर द मोस्ट कंज्यूमर, दे आर द मोस्ट कंज्यूमर नहीं लिखो, दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इन द स्टेट, ऐसे लिखोगे. गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर पेनाल्टी फॉर ऑफेंडर्स फाउंड, फाउंड्स होगा नहीं फाउंड होगा, फाउंड यूजिंग और सेलिंग प्लास्टिक बैग्स. ये वाली चीज है ना आप इसको इंट्रो में डाल देना है ना, जो फर्स्ट पैरा है, क्योंकि आपका सेकेंड पैरा बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है. तो अगर ये वाली चीज आप फर्स्ट पैरा में डाल दोगे तो आपका सेकेंड पैरा छोटा भी हो जाएगा और फर्स्ट पैरा जो इतना छोटा है वो बड़ा भी हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा. गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर पेनाल्टी फॉर द ऑफेंडर्स फाउंड यूजिंग और सेलिंग प्लास्टिक बैग्स. मेन इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैन इन स्टेट इज द लॉस ऑफ जॉब बाय थाउजेंड ऑफ पीपल इन द स्टेट. ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला सही है. आप ये वाला जो ऑफेंडर्स वाला है ना ये फर्स्ट पैरा में डाल देना. लास्ट पैरा है दे आर मिक्स्ड रिएक्शन ऑन द प्लास्टिक बैग. मैंने आपको बोला था कि थर्ड पैरा आपको ओपिनियन लिखना है, रिएक्शन लिखना है जो इसने लिखा है. दे आर मिक्स्ड रिएक्शन ऑन द प्लास्टिक बैग फ्रॉम द पीपल एंड फ्रॉम द बिजनेसमैन एज इट इज क्लियरली एविडेंट दैट द प्लास्टिक मेकिंग फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड विच लेट टू द लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ जॉब फॉर मोर देन 1 लाख पीपल इन द स्टेट. अब ये वन है क्या पता नहीं चल रहा है. सम पीपल आर, अब ये पी स्मॉल क्यों, आई मीन पी कैपिटल क्यों, स्मॉल होना चाहिए ना. सम पीपल आर सेलिब्रेटिंग द बैन एज अ ब्रेव स्टेप होना चाहिए, द ब्रेव स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रेशर द एनवायरनमेंट, सॉरी टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट.
एकदम नजर नहीं आ रहा है कि ये प्रिजर्व है. द मेन ड्राइविंग फोर्स दैट विल मेक दिस बैन सक्सेसफुल इज द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, सेड द सीएम ऑफ महाराष्ट्र. मनीष, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा है, आपने फॉर्मेट भी फॉलो किया है. जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी राइटिंग की बहुत भारी प्रॉब्लम है. सेकेंड प्रॉब्लम है आपकी कैपिटल लेटर की प्रॉब्लम. ओके, तीसरी प्रॉब्लम है आपकी ग्रामर की, वर्ब की प्रॉब्लम. वर्ब आपको पता नहीं चल रहा है कि प्रेजेंट लिखे कि पास्ट लिखे. मेरे क्लास नोट्स को वापस से रेफर करूँ या लेवल वन से लेवल फाइव वाले वीडियो देखो. एक और प्रॉब्लम है, वो है फुल स्टॉप की प्रॉब्लम. कहाँ फुल स्टॉप देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए. और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर जब भी आप मुझे कोई राइटअप दो और आप एग्जाम में भी जब लिखते हो तो यहाँ पे आप लिख दो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू जितने वर्ड्स में आपने लिखा है. इससे एग्जामिनर का एफर्ट कम हो जाएगा इवैल्यूएशन का. ओके, थैंक यू सो मच.